जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे कंपनी लॉ का चैप्टर 19 इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। उसमें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कंपनी की डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, कंपनी की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड कंपनी की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। आज भी हम कंपनी की एक तरह से टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आज दो डेफिनेशन इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। अब हम डिस्कस करेंगे कि दो कंपनीज का आपस में क्या रिलेशन हो सकते हैं। जिस तरह के हमने कहा था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपनी लॉ लीगल रिकॉग्निशन रखता है। जैसे मैं किसी कंपनी के शेयर परचेज कर सकता हूँ, किसी और किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, उसी तरह एज एन इंडिविजुअल, एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसके शेयर्स परचेज कर सकती है। तो उसकी ओनरशिप, उसकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंपनीज के आपस में रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है। जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही होगी, जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी, उसको हम यहाँ पर होल्डिंग कंपनी कहते हैं, अगर कुछ क्राइटेरिया मीट होता है तो, जो क्राइटेरिया हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, जो इन्वेस्टी होती है, उसको हम क्या कहेंगे, सब्सिडरी कंपनी कहेंगे, अगर वो जो कुछ क्राइटेरिया है लॉ ने डिफाइन किया है, अगर वो क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा। हम पहले डिस्कस करते हैं कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। कंपनीज एक्ट 2017 का सब सेक्शन 37 है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 37 है, वो उसमें इसकी डेफिनेशन गिवन है। काफ़ी आसान डेफिनेशन है। तो होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी, जो किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी होगी, बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। मतलब क्या है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। कंपनी ए कंपनी बी की होल्डिंग कंपनी होगी, लेकिन अगर कंपनी बी कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी है तो मतलब क्या हुआ कि हमें होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन, उसका क्राइटेरिया हमें आना चाहिए, ताकि हम डिफाइन कर सकें कि सब्सिडरी कंपनी होती क्या है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जो कंपनी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अगर ये सब्सिडरी कंपनी है तो इसकी जो होल्डिंग कंपनी होगी वो कौन सी वाली होगी। इसलिए हम डिस्कस करते हैं कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। उसको सेक्शन 2 का सब सेक्शन 68 डिस्कस करता है, डिफाइन करता है। सब्सिडरी कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वेस्टी को, जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई है, जिसमें होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है। सब्सिडरी कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, आप उसको अपॉइंट कर सकती है या उनको रिमूव कर सकती है। तो जो कंपनी है, जिस कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं या जिस कंपनी के डायरेक्टर्स रिमूव हो रहे हैं, वो कंपनी सब्सिडरी होगी। और जिस कंपनी के पास ये पावर है कि वो कंपनी बी के, फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, वो कंपनी बी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या कंपनी बी के डायरेक्टर्स को रिमूव करने की पावर उसके पास है, तो कंपनी बी फिर क्या होगी, सब्सिडरी कंपनी होगी कंपनी ए की। और कंपनी ए क्या होगी, होल्डिंग कंपनी होगी कंपनी बी की। या एक्सरसाइज द और कंट्रोल मोर देन वन हाफ, मतलब 50% ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज, ईदर बाई इट्स सेल्फ और टूगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। हम यहाँ पर एग्जांपल में लेते हैं तीन कंपनियाँ, कंपनी ए, पहले एग्जांपल में लेते हैं दो कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए ने कंपनी बी के 50% शेयर परचेज कर लिए, तो अब कंपनी बी क्या हो गई, कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी हो गई। एंड कंपनी ए कंपनी बी की क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी होगी। एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाई इट सेल्फ, यहाँ पर उसकी डायरेक्ट होल्डिंग है, वो डायरेक्ट खुद ही क्या कर रही है, कंपनी बी की 50% ऑनरशिप उस कंपनी ए के पास है, तो कंपनी ए क्या हो गई, कंपनी बी की होल्डिंग कंपनी। तो कंपनी बी फिर कंपनी ए की क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी। और टूगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। अब हम एग्जांपल लेते हैं तीन कंपनियों की, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी।
कंपनी ए की कंपनी बी में तो है 52% इन्वेस्टमेंट, कंपनी ए की कंपनी सी में है 35% शेयर्स, एंड कंपनी बी के कंपनी सी में है 25% शेयर्स। अब जो कंपनी ए है उसके सी के अंदर 35% शेयर्स हैं, एंड कंपनी बी जो कि सब्सिडरी कंपनी है कंपनी ए की, उसके कंपनी सी में है 25% शेयर। तो दोनों के जॉइंटली कितने परसेंट शेयर्स हैं कंपनी सी के अंदर? 60% शेयर्स हैं। तो टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। अब यहाँ पर उसकी इधर बाई इट सेल्फ तो नहीं है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है 50%, लेकिन उसकी टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी बी, सब्सिडी कंपनी कौन सी? कंपनी ए की कंपनी बी, उसके साथ मिलकर कंपनी सी में जो ऑनरशिप है वो है 60%। तो फिर इस केस में भी कंपनी सी क्या होगी? कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी होगी। हम आगे इसी वीडियो में जाकर फर्दर एग्जांपल्स और इस एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। अब एक होल्डिंग कंपनी की कितनी सब्सिडरी कंपनी हो सकती हैं वो लिमिट भी लॉ एसईसीपी लगा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ लिमिट है नहीं। एक लॉ को लगता है कि लेट्स सपोज एक ग्रुप है जिसे मंशा ग्रुप कहते हैं, जिसके अंदर पूरे के पूरा आपकी एमसीबी बैंक आ जाता है, आदम जी ग्रुप आ जाता है, निषाद चुनिया आ जाता है, ये किसकी ऑनरशिप में है? सारे के सारे मियाँ मंशा की ऑनरशिप में है, वो मेजोरिटी शेयर होल्डर है। तो ये क्या है? एक दूसरे की सब्सिडरीज और होल्डिंग कंपनीज हैं। तो अगर लॉ चाह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी, जो ग्रुप है काफ़ी कम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो वो एक बाई नोटिफिकेशन लिमिट लगा सकते हैं कि अब ये कंपनी किसी और कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं बना सकती। ये लॉ पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस पर बाई नोटिफिकेशन लिमिट लगा दे। बस उन्होंने बता दिया है कि गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी कंपनी की नंबर ऑफ सब्सिडरीज को लिमिट कर सकती है। अब अगर हम इस सब्सिडरी कंपनी की जो सेक्शन में डेफिनेशन हमने पढ़ी है इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन भी लॉ में गिवन है, हम वो डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में ये वाले पॉइंट्स नहीं गिवन, आपकी बुक में जस्ट डेफिनेशन गिवन है। सॉरी, ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर्ड टू इन सब क्लास ए। हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन है वो हम क्यों क्या थी? सब क्लास ए थी। और सब क्लास बी हमने पढ़ा था कि अगर एक कंपनी की दूसरी कंपनी के अंदर 50% डायरेक्टली और टुगेदर विद इट्स सब्सिडरीज ऑनरशिप हो तो वो कंपनी क्या होगी? इन्वेस्टर की क्या होगी? वो सब्सिडरी कंपनी होगी। इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अभी मैंने ऊपर बात की थी जिसमें मैंने कहा था कि वो जॉइंट ऑनरशिप में थी। लेट सपोज कंपनी ए की कंपनी बी में सी में थे 35% शेयर्स, एंड जो कंपनी बी कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी है उसके थे 25% शेयर्स। तो ये जॉइंट ऑनरशिप में थी। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कंपनी ए के कंपनी बी में 52% शेयर्स हैं, तो कंपनी ए कंपनी बी की क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी। एंड कंपनी बी क्या हो गई? कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी। अब एक तीसरी कंपनी है कंपनी सी। कंपनी ए के कंपनी सी के अंदर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, लेकिन कंपनी बी कंपनी सी के 70% शेयर्स क्या कर रही है? विदहोल्ड कर रही है। 70% शेयर्स की क्या है? उसकी ऑनरशिप कंपनी बी के पास है। तो अब इस केस में जो कंपनी सी है वो कंपनी बी की सब्सिडरी कंपनी है, एंड कंपनी बी क्या है? कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी है। तो इनडायरेक्टली कंपनी सी भी क्या हो गई? कंपनी ए की इनडायरेक्ट सब्सिडरी हो गई। जहाँ पर वही बात कह रहा है कि कंपनी शैल बी डीम टू बी ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अब यहाँ पर कंट्रोल किसका है? सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी का है। जैसे कि कंपनी बी का कंट्रोल है कंपनी की सी के ऊपर, जो कंपनी बी क्या है? होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है। तो कंपनी सी भी क्या हो गई? सब्सिडरी कंपनी हो गई कंपनी ए की, जो कि यहाँ पर इनडायरेक्ट सब्सिडरी हम उसको कहते हैं। फिर वो यहाँ पर ये कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड किस तरह डिफाइन करते हैं, कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड जो ऊपर टर्म यूज़ की गई थी उसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को, लेट्स सपोज अगर मिनिमम डायरेक्टर्स 7 हैं, कंपनी के 7 डायरेक्टर्स हैं, अगर वो चार तीन या चार डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने या रिमूव करने की जो प्रोसीजर
पावर है उस कंपनी के पास है, तो जो जिस कंपनी के आप डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। और जिसके पास रिमूव करने की या अपॉइंट करने की पावर है, वो क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन कंपनी का क्या मतलब है? बॉडी कॉर्पोरेट। जब हमने बॉडी कॉर्पोरेट को डिस्कस किया था, तो हमने वहाँ पर कहा था कि बॉडी कॉर्पोरेट जस्ट लाइक एक कंपनी है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ों को ब्रॉडर टर्म में इंक्लूड करने के लिए, कवर करने के लिए, मतलब ये है कि बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, या कोई फॉरेन कंपनी है जिसकी, जहाँ पर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, वो भी क्या हो गई इस कंपनी के अंदर, क्या हो गई? कवर हो गई। तो अभी यहाँ पर मैंने ऊपर बात की थी कि लेयर इन रिलेशन टू, उन पर मैंने डिस्कस किया था कि कंपनी की जो लेयर्स हो सकती हैं सब्सिडरीज की, उन पर लॉ लिमिट कर सकता है। यहाँ पर उन्होंने लेयर को डिफाइन किया है कि लेयर का मतलब है कि किसी भी होल्डिंग कंपनी की नंबर ऑफ सब्सिडरीज, उसको हम क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं। ये पॉइंट, ये पोर्शन आपकी स्टडी टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ। अब हम इसको क्या करते हैं, विद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, जो पॉसिबल, जो आपके पास स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं पेपर के अंदर भी, उनको हम डिस्कस करते हैं। आपके पास है कंपनी ए एंड दूसरी कंपनी आपके पास है कंपनी बी। कंपनी जो ए है 52% शेयर्स की ऑनर है कंपनी बी के। तो यहाँ पर ये ईदर बाई इट सेल्फ क्या है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसकी है कंपनी बी के अंदर। तो कंपनी ए क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी बी। एंड कंपनी बी क्या हो गई? सब्सिडरी कंपनी ऑफ कंपनी ए। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें कंपनी ए, कंपनी बी एंड हमारे पास, हमने सेम शेयर होल्डिंग है, ऑनरशिप है कंपनी ए की, कंपनी बी के अंदर 52% ऑनरशिप है। तो कंपनी ए क्या है? कंपनी बी की होल्डिंग कंपनी। यहाँ पर एक थर्ड कंपनी आती है कंपनी सी। कंपनी ए की कंपनी सी के अंदर है 35% शेयर्स। ये वही एग्जांपल्स हैं जो भी ऊपर मैंने डिस्कस किए हैं। एंड कंपनी बी की कंपनी सी के अंदर है 25% शेयर होल्डिंग। तो अब यहाँ पर जो ए एंड बी की ज्वाइंट ऑनरशिप कितनी बन गई? 60% बन गई, इधर बाई इट सेल्फ और टुगेदर विद इट्स सब्सिडरीज, ठीक है ना। अब सब्सिडरी के साथ मिलकर कंपनी ए की क्या ऑनरशिप हो गई इसके अंदर? 60% हो गई। तो ये कंपनी सी कंपनी ए की भी क्या हो गई? सब्सिडरी कंपनी हो गई। अब यहाँ पर कंपनी ए की दो सब्सिडरी कंपनीज हैं, कंपनी बी एंड कंपनी सी। इन दोनों की होल्डिंग कंपनी कौन सी है? कंपनी ए। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जांपल, कंपनी ए कंपनी बी। कंपनी ए की कंपनी बी में ऑनरशिप जो है वो सेम है, 52% ऑनरशिप है। तो कंपनी बी कंपनी ए की क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। जहाँ पर कंपनी सी है, जिसमें कंपनी ए की कंपनी सी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी बी की कंपनी सी के अंदर 60% इन्वेस्टमेंट है। ये उसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है कि अगर कंपनी ए होल्डिंग कंपनी, अगर एक कंपनी की होल्डिंग कंपनी की वो कंपनी भी सब्सिडरी होगी, अगर उसकी किसी सब्सिडरी का कंट्रोल होगा उस कंपनी के ऊपर। यहाँ पर सब्सिडरी का कंट्रोल है कंपनी सी के ऊपर, जो 60% विद शेयर क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। ये आपकी क्या है? कंपनी सी भी इनडायरेक्ट सब्सिडरी हो गई कंपनी ए की। ये थी आपकी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी चैप्टर 1 के अंदर। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट हो आपको समझ ना आया हो, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, जो मुझे इनकरेज करेगा कि मैं कोर्स को जल्द ही कंप्लीट करके अपलोड कर दूँ। थैंक यू।